Just coming. Sit down. How are you, Mr.? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am fine, sir. What's your name? My name is Taufeeq Rehman. Kidhar se? Pakistan, India? Pakistan se. Good, good. Mr. Taufeeq, आप HVAC के फील्ड में काम कर रहे हो? Yes, sir. Yes, इससे पहले आपने काम किया? हाँ जी, काम किया है पहले. बहुत अच्छा. तो आज आप जो है HVAC टेक्नीशियन के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए, राइट? Yes, sir. मैं आपसे ज़्यादा तो सवाल नहीं करूँगा. आप माशाल्लाह काम किए हुए हो. क्या पाकिस्तान में काम किए या गल्फ में? पाकिस्तान में भी किया है, गल्फ में भी किया है. बहुत अच्छा. What's your educational qualification? My education qualification is BAE, Diploma Associate Engineer. Mashallah. हाँ जी, तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है HVAC के फील्ड में? कैसा लग रहा है HVAC? मैंने आपने HVAC को आपने चूज क्यों किया? कैसे मन किया कि भाई हमको HVAC? इंटरेस्ट था HVAC फील्ड में, इसलिए मैं ये फील्ड चूज किया क्योंकि अच्छा फील्ड है, तो लोगों को आराम देना है चाहिए. यस, बहुत अच्छा आपका जवाब ये, बिकॉज आप जो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होता है उसी फील्ड में जाना चाहिए. और आपने बहुत अच्छा काम किया कि HVAC में आपको इंटरेस्ट था और आप HVAC के फील्ड में आए. ये बहुत अच्छी बात है. अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है लेकिन काम किसी और चीज़ में कर रहा होता है, तो उनको फिर सक्सेस नहीं मिल पाता है, उतने अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाते. तो यहाँ पे आपको आपके जो टीम मेंबर, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके टीम मेंबर्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, टीम मेंबर सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. लैंग्वेज का प्रॉब्लम है क्योंकि कोई किधर से कोई किधर से, इसीलिए थोड़ा मसला आता है. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टीम्स बहुत अच्छे. लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, बिकॉज पीपल्स आर कमिंग हेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कॉमन होता है. तो यहाँ पे HVAC के फील्ड में जब आप काम कर रहे हो तो किस किस टाइप का प्रॉब्लम आता है? बस कंप्लेन सर आ जाते हैं कूलिंग का, कूलिंग करने का काम करते हैं, उसके बाद हम चला जाते हैं चेक कर लेते हैं. अच्छा अच्छा. तो जो भी प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व कर लेते हैं. अक्सर कंप्रेसर का आ जाता है जी, कभी कभार जो है लोअर मोटर खराब हो जाते हैं. अच्छा, लीकेज वगैरह का तो गैस कम हो जाता है. ये सारे प्रॉब्लम बस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं. तो आप जो काम करते हो तो काम करने के टाइम में, जब आप काम करने से पहले, जब आप कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आया, आप साइट पे गए, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या ध्यान रखना होता है? हमें सबसे पहले जाके जो है ना जिस क्लाइंट ने कंप्लेन किया होता है उससे मिल लेते हैं. उसके बाद जब वो हमें बता देता है ये मुझे से, तो जब हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपना सेफ्टी लेते हैं. सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है. ये आपने बहुत सही कहा कि जब भी आप किसी साइट पर जा रहे हो काम करने के लिए तो वहाँ पर सेफ्टी का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी अगर आप सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है. काम तो हमेशा होते रहेगा लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर तौफीर, HVAC का कोई यूनिट है, डक्टेबल यूनिट है या स्प्लिट एसी है, पैकेज एसी है, वहाँ पर अगर आइस फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कौन कौन से रीजंस, क्या क्या वजूहत हो सकते हैं कि आइस का फॉर्मेशन हो? आइस फॉर्मेशन का तो पहले हमने ये चेक करना होता है कि डोर चलता है, इनडोर यूनिट चलता है हमारा या नहीं. इनडोर यूनिट चलता है फिर उसके बाद हमने फिल्टर चेक करना होता है, गैस चेक करना होता है. तो इस तरह कई वजूहत है कि उस वजह से आइस आ जाता है. ओके, गुड. एंड एक HVAC का यूनिट है फॉर एग्जांपल पैकेज ऐसी, उसमें मेन मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? उसमें जी मेन पार्ट है एक कंडेंसर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, एक्सपेंशन वाले, तो ये उसके मेन पार्ट. वेरी गुड. ओके, तो अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो मिस्टर तौफीक, वहाँ पे क्या सैलरी आपको मिल रही है? उधर सैलरी मिल रहा है, हम लाइफ चाहिए बस. तो आप चेंज क्यों करना चाह रहे हो? तो बस कब इसलिए चेंज करना चाहते हैं कि थोड़ा मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, नए नए लोगों से मिल जाए, नए नए साइटों पर चले जाए, नए नए सिस्टम देख ले, तो उस वजह से कंपनी चेंज करने का. बहुत बढ़िया. ओके मिस्टर तौफीक, आई विल अपडेट यू on your WhatsApp. Okay. And कितना सैलरी, कितना एक्सपेक्टेड आप यहाँ पे कर रहे हो, कितना मिलना चाहिए? एक्सपेक्टेशन बेसिक 2500. ओके, नो प्रॉब्लम. यू आर सिलेक्टेड माशाल्लाह एंड वेलकम टू माई कंपनी. ओके सर, थैंक यू माशाल्लाह एंड आई विल अपडेट यू. ओके, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.
तो गाइज मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के एमईपी और एचवीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।